आशा नारी मर्दी सीमा जैन आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, जर्नलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है और साथ ही खूबसूरती की बेमिसाल मूर्ति भी है। दिस इज इंटरनेशनल तेजस्विनी जी। हाय तेजस्विनी, आज हम आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे कि हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को वो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। तेजस्विनी को ये कब लगा कि वो एक मिसेस इंटरनेशनल बन सकती है? जब मैं छोटी थी तभी से मुझे था कि मुझे अपने लिए एक बड़ी लाइफ करियर में और आगे बढ़ना है और अपने करियर को एक ऊंचाई तक पहुंचानी है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स गर्ल चाइल्ड को बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको पहले तो खुद पावरफुल बनना, बहुत सारे थॉट एक मिक्स हुए और इस सब चीज़ों ने ही मुझे प्रमोट किया कि मैं अपनी लाइफ में करियर में कुछ बड़ा अचीव। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक जरिया है जहाँ हम जाते हैं और जिसे जीत के आप उनको स्थापित कर सकते हैं और अपनी बात सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक के सफर में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप एक मैरिड वुमन हैं तो स्पेशली आफ्टर मैरिज इस तरीके के ब्यूटी पेजेंट्स को बहुत पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता। एक्चुअली परेशानियाँ तो बहुत आई थी, करियर में भी आई और फैमिली वाइज भी आई, कुछ डिस्टर्बेंस भी रही, लेकिन पहली चीज़ तो ये जाती है कि अगर आप अपने एक पार्ट को सेटिस्फाइड रखते हैं तो दूसरी चीज़ आप अपने लिए खुद से टाइम निकालते हैं और अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। तो मैंने अपने एक फेज को बहुत स्ट्रॉन्ग किया पहले, जो कि मेरी मैरिड लाइफ थी, उसके बाद फिर मैंने दूसरी चीज़ में हाथ डाला। और ब्यूटी पेजेंट लुको या कोई भी फील्ड हो करियर की या फीमेल के लिए, जहाँ पे एक्सपोजर अच्छा है तो कई सारे थॉट्स आते हैं लोगों के माइंड में, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। और हम हर चीज़ में ये दो तीन पहलू होते हैं, सकारात्मक एक नकारात्मक है किसी भी फील्ड का। तो जो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव साइड्स को लेके उसको अच्छा रूप दे, क्योंकि अगर आप निगेटिव साइड में जाएंगे तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा दिन की नहीं होती। तो पॉजिटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ की, और पॉजिटिविटी को लेके ही आगे बढ़े। वो सवाल बताइए, सवाल के जवाब में आप मिसेस इंटरनेशनल। सवाल बहुत अच्छा सवाल था, वो था कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है। पहले तो एक पल के लिए मैं सोचने लगी कि वाकई इस दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है। मैंने इस बात का जवाब दिया था कि जब कभी भी मैं किसी मदर की आंखों में उसके चाइल्ड के लिए हैप्पीनेस देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो एंड है ड्यूटी का। या जब कभी भी मैं किसी रिलेशनशिप में कपल को देखती हूँ और एक दूसरे में देखती हूँ इतना वो मर जाए, मुझे लगता है वो एंड है ड्यूटी का। या वो मैं जब कभी किसी फैमिली को साथ में कुछ देखती हूँ, या किसी लड़की को अपने काम तक पहुँचते देखती हूँ, या किसी भी फेस में मुझे लगता है ब्यूटी का ये एंड है। लेकिन इस दुनिया में ब्यूटी का एंड कोई डिसाइड नहीं कर पाया है। तो इस दुनिया की हर एक चीज खूबसूरत है, बस उसे देखने का नजरिया आपको समझना पड़ेगा। एक ही रिलेशनशिप में भी ब्यूटी है, नेचर में भी ब्यूटी है। ब्यूटी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, जब एक खूबसूरत दिल और खूबसूरत चेहरा मिक्स हो जाता है एक अपने आप में ब्यूटीफुल का एक नया पैरामीटर क्रिएट कर देता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और अभी तक कोई ब्यूटी का एंड डिसाइड नहीं कर पाया। तो ये आंसर मुझे बहुत पसंद आया। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत जवाब है। आपके हिसाब से एक फीमेल, एक नारी, एक लड़की क्या बॉर्न उसके अंदर होनी चाहिए, या मतलब वो पैदाइशी खूबसूरत कहलाती है या वो बाद में भी खूबसूरत हो सकती है? देखिए यहाँ पे दो बातें हो जाती है कि हम किस लिए बात कर रहे हैं। पहले तो एक आउटर ब्यूटी की बात हो जाती है कि आउटर ब्यूटी क्या है, और एक होती है कि हम अंदर से कितने
साफ है और हम कितने खूबसूरत हैं। जरूरी नहीं कि बाहरी जो आकर्षक दिख रहा है वो अंदर से उतना आकर्षक है, और जो अंदर से बहुत आकर्षक है वो बाहर से आकर्षक है, और जहाँ इन दोनों का तालमेल होता है तो चीजें ज्यादा पसंद। ब्यूटी पेजेंट्स में ये चीजें मायने रखती है कि अगर आपकी अंदरूनी ब्यूटी अच्छी है तो वो चीजें भी काउंट होती है? नहीं, ये काउंट होता है, ये आपके आंसर से वो डिसाइड कर देते हैं, और आप पूरे ग्रूमिंग सेशन के टाइम पे वो कहीं ना कहीं इस चीज को नोटिस करते हैं कि आप इंसान कैसे और आप किस तरह के इंसान है, क्या आपका एटीट्यूड है लाइफ को लेकर, क्योंकि वो सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन में आपके बिहेवियर में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है वो भी बहुत प्लस पॉइंट होता है, और आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई होने के साथ आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं क्योंकि बहुत मशीन माइंड लोग भी आते हैं, तो वो आपका पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ को लेके, तो ये बहुत रिफ्लेक्ट करता है आपके आंसर, तो वो समझते कि अगर वो एक स्पेस को अपना ब्रांड फेस बनाते हैं तो कितना वो आगे जाके आपकी चीजों को मतलब आगे अच्छा कर सकता है, तो ये सब बहुत रिफ्लेक्ट करती है चीजें ब्यूटी पेजेंट। आपके हिसाब से लाइफ क्या, जिंदगी की परिभाषा क्या? लाइफ आई थिंक लाइफ इज नॉट इजी, टाइम टू टाइम लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, और ये हमें लगता है कि ऐसे स्मूथ चल रहा है सब, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर फेज में बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनको चीजें पेड़ मिलती है लाइफ, लेकिन इतने अप्स एंड डाउन होते हैं आपकी इमोशनली रिलेशनशिप्स आपकी फाइनेंशियली कंडीशन, क्योंकि मुझे अभी तक शायद ऐसा कोई इंसान नहीं मिला अपनी लाइफ में जिसने एक जैसी लाइफ देखी, तो ये फुल ऑफ स्ट्रगल है, बस मैं जितना मैं समझू कि अगर आपको सर्वाइव करना है यहाँ पे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हैं आप मतलब अच्छा डील कर रहे, और जब आप आगे बढ़ते हैं आप किसी भी सिचुएशन से आगे निकलते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं अच्छा ये इसलिए हुआ, और अगर आप टूट के बिखर गए वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपके करियर का फेल सिचुएशन होती है, जब आप करियर में फेल करते हैं वो भी सिचुएशन आती है मैक्सिमम लोगों के साथ, तो वहाँ पे भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं अब मुझे जो भी चल रहा है अगल बगल या जो भी मेरे साथ हो रहा है मुझे अब अपने आप को बहुत मजबूत रखना है, और मुझे कहते ना समय के साथ पिक्चर क्लियर होती है, तो उस पिक्चर क्लियर होने का वेट करना चाहिए, ना कि उस समय इंस्टेंट डिसीजन हाइपर हो गए या हमेशा स्ट्रॉन्ग रहिए, तो आप एक कहीं ना कहीं लाइफ में स्टैंड करेंगे टाइम के बाद, जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप अपनी खूबसूरती मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? मैं बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, लोग बहुत ज्यादा ही एक होता इंटरेस्ट रहता है आपको, आप देखोगे कि इतना इंस्टेंट इफेक्ट और इसके, मैं ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स में ही रहती हूँ और उन्हें प्रमोट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पल्प के प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी नेचुरल ब्रांड्स हैं जो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स में, जो आपका खुद का प्रोडक्ट है वो आप खुद भी यूज़ करते हैं? हाँ, मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, और मैं इसलिए उनको पसंद करती हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में वो उसको साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो स्किन रिलेटेड भी है और अब हेल्थ पे भी आ रहे हैं, हम कैंसर के सेल्स को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन बनाना चाहते हैं। आज हम किससे बात कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट, एक ब्यूटी पेजेंट विनर से या एक एंटरप्रेन्योर से? मैं तो खुद को एक मतलब मैं तेजस्विनी ही हूँ और मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, तो वो एक अलग बात है, बस मुझे ये लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और ये सारी चीजें मिक्स है मेरे अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी निकलती हुई दिखेगी, जब आप मुझसे पेजेंट की बात करेंगे तो मैं उसकी बात करूँ तो आपको उसके बारे में कुछ रियलाइज होगा, और जब मैं जर्नलिज्म की बात करेंगे तो मेरे अंदर का एक पत्रकार जान जाता है, तो और जब आप केमिकल प्रिजर्वेटिव या किसी भी स्किन बीमारी या हेल्थ की बात करेंगे तो मैं इस चीज को प्रमोट करती हूँ कि कैसे नेचुरल थेरेपीज होती है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो मैं मेरे अंदर ये सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट उसमें दिखेगी। यकीनन अभी तो आप रुकेंगे नहीं, अभी तो आपको बहुत आगे जाना है,
आपको क्या लगता है आपकी मंजिल कहाँ है? मंजिल तो बहुत हमने लाइन तो बहुत ऊंची खींची है अपने करियर में, लेकिन अब कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये मैटर करता है। जितना सब कुछ अगल बगल पॉजिटिव रहते हुए सब चीजें अच्छे से चलते हुए जहाँ तक पहुँच जाए वही मतलब वही मुकाम मैं मानू, क्योंकि लोग अक्सर बहुत प्रोफेशनल होने के चक्कर में अपना पर्सनल लाइफ बहुत खराब कर देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पर्सनल के साथ में प्रोफेशनल दोनों अच्छे से चलते हुए जहाँ तक एक लाइन मैंने खींची उसमें कहा तक और सारे फेजेस को एंजॉय करना चाहूंगी मदरहुड और हर फेजेस, क्योंकि एक सिर्फ सक्सेसफुल होना ही एक मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता, अंदर से कितने खुश हैं और आप कितना ज्यादा आपकी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, बहुत चीजें हैं जो मुझे अभी फील कर नहीं पाती। संदेश हमारे व्यूअर्स बस मुझे गर्ल्स के लिए ये लगता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाए अपने करियर पर फोकस करें और आगे बढ़े, कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद फीमेल को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो वो जितना ज्यादा अपने करियर पर फोकस करेगी वो भी फ्यूचर के लिए और वो फैमिली को भी लेके चले सकते। आज हम मिली ऐसी लड़की से और यकीनन बहुत कुछ देखने सुनने और समझने के लिए हम लोगों को मिला है। इंतजार कीजिए अगली बार बहुत जल्दी ऐसी ही किसी सेक्शन से हम आपको दोबारा मिलवाएंगे।